शाम तक जब राबी अपने घर पर नहीं आती है तो इसके माँ परेशान हो जाती है, उसका भाई भी परेशान हो जाता है। और उसकी माँ कहती है, लगभग 7 साढ़े 7 बजे का जब टाइम हो जाता है, तो फातिमा अपने बेटे अब्बास को कहता है कि बेटा जाओ जरा दुकान पर पता करके आओ कि अभी तक राबिया क्यों नहीं आई है। वो उसका बेटा भाग करके दुकान पे जाता है और वो टेलर मास्टर से कहता है कि मास्टर साहब अभी तक मेरी आपा घर नहीं आई है, क्या बात है, आज कुछ ज़्यादा काम है क्या। इस पर मास्टर कहते हैं कि बेटा तुम्हारे आपा तो आज ड्यूटी नहीं आई है, वो तो आज सुबह से काम पे नहीं आई है, मैं तो तुम्हारे मम्मी के पास फोन करने वाला था। इतना सुनते ही वो दौड़ करके अपनी मम्मी के पास आता है और कहता है कि दरअसल राबिया तो आज दीदी तो वहां पर गई नहीं थी काम पे। उसके माँ हैरान और परेशान हो जाती है क्योंकि आज तक कभी भी राबिया बिना बताए कहीं नहीं गई थी और उस पर उसके पास कोई फोन भी नहीं था। राबिया बेहद एक सीधी सादी लड़की थी। इधर मयूर उसको लेकर के गुजरात की तरफ रवाना हो जाता है और जब बीच रास्ते में राबिया को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक कार में लेटी हुई है और उसके पास मयूर बैठा हुआ है और वो कहीं जा रही है। इस पर वो उठ करके मयूर से पूछती है कि ये मैं कहाँ आ गई हूँ, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है अपनी माँ के पास, मेरी माँ परेशान हो रही होगी। इस पर मयूर कहता है कि चुपचाप लेटी रहो, कुछ बोलने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम्हारी माँ और भाई हमारे कब्जे में है, अगर जरा से भी तुम चीखने और चिल्लाने की कोशिश की तो यहाँ से मैं फ़ोन करूँगा और तुम्हारे माँ और भाई को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया जाएगा। तो रोने लग जाती है, गिड़गिड़ाने लग जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा मत करना। फिर ये लोग लेकर के इसको गुजरात पहुंच जाते हैं और गुजरात पहुंचने के बाद मयूर उस व्यक्ति रमेश भाई से कांटेक्ट करता है और कहता है कि आपके कहने के अनुसार माल तैयार है, मैं लेकर आ गया हूँ। इस पर रमेश कहता है कि एकदम कुमारी है ना, वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल कुमारी है, अपने धंधे में बेईमानी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ये रही लड़की, जल्दी से पैसे निकालो और मैं यहाँ से जाऊँ। अब रमेश भाई कहता है कि भाई 12 लाख रुपए इस समय नहीं है, 1 हफ्ते का टाइम दो, अभी 2 लाख रुपए ले लो, बाद में पैसे ले जाना। इस पर मयूर कहता है कि इस धंधे में उधारी का कोई लेना देना नहीं होता, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो जब पैसे होंगे तब तो तुम मुझे फ़ोन कर देना, तब मैं इसे लेकर के यहाँ आ जाऊँगा। वो राबिया को लेकर के वापस आ जाता है और फिर वो सोचता है कि आखिर इसे लेकर के कहाँ जाए। उस पर उसका जो एक दोस्त होता है वो कहता है कि क्यों ना इसे तुम 4-5 दिन के लिए मेरे ही घर पर रख दो और उसके बाद तुम इसे रमेश भाई के पास जब पैसे दे दे तो ले जाना। इस पर मयूर कहता है कि तुम तो 1 नंबर के कमीने हो, मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है, अब मेरा जो एक क्लाइंट है उसे बिल्कुल कुंवारी लड़की चाहिए। इस तरह वो इसे एक कोठे पर ले जाता है जो शबनम का कोठा होता है, बहुत मशहूर होता है गुजरात का एक कोठा, वहाँ पर ले जाता है और कहता है शबनम से। दोस्तों इस सारी कहानी में शबनम भी शामिल थी क्योंकि रमेश भाई उसी का ग्राहक था। रमेश भाई अक्सर शबनम के कोठे पर जाता था और रमेश भाई शबनम से डिमांड किया था कि मैं कब तक इस तरह कोठे पर आऊँगा, मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो हमेशा के लिए मेरे पास रहे क्योंकि मेरे बच्चे मेरे साथ रहते नहीं हैं और मेरी पत्नी का देहांत हुए 5 साल हो गए। तो वही 12 लाख में सौदा तय हुआ था। अब जब मयूर राबिया को लेकर के शबनम के कोठे पर जाता है तो मयूर कहता है शबनम से कि मुझे एक कमरा चाहिए 3-4 दिन के लिए और हाँ उस कमरे का चाबी मैं अपने पास रखूँगा। शबनम कहते हैं क्यों, तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर? तो कहते भरोसा है लेकिन फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, ना जाने इस कोठे पर एक रात में क्या से क्या हो जाए। इस पर शबनम कहती है कि भाई इसके लिए तुम्हें 25,000 मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। वो कहते हैं हाँ ठीक है ले लेना। फिर एक कमरा शबनम दे देती है, उस कमरा में राबिया को ठहरा देता है मयूर और राबिया से कहता है कि तुम इसी कमरे में रहना, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर के आता हूँ। फिर वो खाने लेकर के आता है, राबिया को कहता है कि खाना खा लो। इस पर राबिया फिर से उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती है कि वो कहती है कि मुझे लगता है तुम मुझे बेचने के लिए यहाँ लाए हो। मयूर कहता है बिल्कुल ठीक तुम समझ रही हो। राबिया कहती है कि एक काम करो, बस 2 मिनट के लिए मुझे मेरी अम्मी और मेरे भाई से बात करा दो। वो फ़ोन निकालता है और कहता है अपने लोगों से कि अगर तुम फिर से जिद की अपनी माँ और भाई से बात करने के लिए तो अभी मैं फ़ोन कर दूंगा, उधर तुम्हारे भाई को वो लोग जान से मार देंगे। इस पर राबिया चुप हो जाती है। अब इधर मुंबई में जब राबिया शाम तक घर नहीं पहुंचती है तो उसके जितने मोहल्ले में हंगामा मच जाता है, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सब राबिया को ढूंढने की कोशिश करते हैं, सभी जगह ढूंढते हैं उसके माँ उसके रिश्तेदार, लेकिन राबिया जब इधर कभी कहीं नहीं मिलती है तो वो लोग जाकर के नज़दीकी पुलिस थाना में रिपोर्ट लिखा देते हैं और पुलिस भी हैरान और परेशान हो गई कि दिन दहाड़े इस तरह एक लड़की को अगवा कर लिया, आखिर
इतना बड़ा घटने का अंजाम किसने दिया। और पुलिस छानबीन करना शुरू कर देती है। पुलिस जल्दी से एक टीम बनाती है और पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वो अपने साथियों से कहते हैं कि आप लोगों को तब तक छुट्टी नहीं मिलेगी जब तक राबिया का पता नहीं चल जाएगा, जल्दी से राबिया का पता लगाओ। और पुलिस की टीम हर तरह से खोजने की, पता लगाने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, पता ही नहीं चलता कि आखिर राबिया कहाँ गई। अब पुलिस भी सोचती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, सबसे पूछताछ करते हैं उसके पड़ोसियों से, किसी ने राबिया को किसी के साथ जाते हुए देखा है, लेकिन सब मना कर देते हैं। फिर पुलिस कहती है कि ऐसे हो नहीं सकता कि कोई उसे ना देखा हो। अब उस पुलिस टीम में एक लेडीज पुलिस होती है, वो अपने सीनियर ऑफिसर से कहते हैं कि सर क्यों ना हम जिस रास्ते से राबिया रोज अपने काम पर जाती थी उस रास्ते पर जाकर के उसी समय हम जाते हैं, कुछ छानबीन करते हैं, कुछ पता चल जाए, दुकान वालों से पूछते हैं। तो उसके सर कहते हैं ठीक है कोशिश करो। फिर सब लोग पूछताछ करने के लिए चले जाते हैं। अब पुलिस की टीम ठीक उस समय पहुंच जाती है उस रास्ते पे जिस रास्ते से होकर के राबिया अपने काम पर जाती थी, और तमाम दुकान वालों को राबिया की तस्वीर दिखाती है और कहती है कि किसी को भी इसके बारे में पता चल जाए तो फौरन बताए। अब उसी रास्ते में एक दुकान वाला होता है जिसका चाय का दुकान होता है, पुलिस की टीम वहां पर जाती है और वहां चाय भी पीती है और राबिया का तस्वीर दिखाती है कि क्या इस लड़की को आपने कभी देखा है क्या, क्योंकि दो दिन पहले इसका यहीं से अपहरण हो गया था। अब वो गौर से देखता है राबिया की तस्वीर को और कहता है कि नहीं नहीं सर मुझे याद नहीं आ रहा। फिर पुलिस जैसे वहां से जाने लगती है वो पीछे से आवाज़ देता है कि साहब एक मिनट इधर आइए। फिर वो कहता है कि मुझे इस लड़की का तो याद है कि मुझे लगता है कि ये मेरी दुकान के सामने ही एक टैक्सी आई थी और उसी टैक्सी में बैठ करके ये लड़की गई है और इसके साथ एक औरत भी थी। अब जब पुलिस को उस औरत के बारे में पता चलती है तो पुलिस फौरन इस सब की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देते हैं। तमाम उसके जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उस एरिया में पहुँच जाते हैं और उस चाय वाले से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं कि क्या तुम उस महिला को जानते हो या उसको कभी देखा है। तो वो कहता है कि नहीं मुझे उसका चेहरा बिल्कुल भी याद नहीं है। फिर पुलिस अपने तरीके से फिर लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। अब पुलिस क्या करती है कि सबसे पहले पूछताछ के लिए राबिया को माँ को फिर से थाने बुलाती है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है कि किसी पर आपको शक है तो आप हमें बताइए। उसकी माँ कहती है कि मेरी बेटी बहुत सीधी सादी थी, मुझे किसी पे शक नहीं है। तो पुलिस कहती है कि आपकी बेटी जवान थी, हो सकता है किसी लड़के से कोई चक्कर है, वो कहीं चली गई हो। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। पुलिस कहती है कि अपनी बेटी का फ़ोन नंबर दो। इस पर वो कहती है कि मेरी बेटी के पास फ़ोन भी नहीं है। वो कहती है कि मेरी बेटी के पास फ़ोन नंबर नहीं है, वो फ़ोन से कोई मतलब नहीं रखती थी, वो अपने काम पर जाती थी और घर आकर के घर का काम करती थी। अब पुलिस इस महिला का पता लगाने के लिए एरी चोटी का जोर लगा देती है। फिर वो पुलिस की टीम चाय वाले के पास जाती है और उसको कहती है कि तुम याद करो कि वो महिला कौन थी। इस पर वो कहता है कि मैं ऐसे तो याद नहीं कर सकता लेकिन अगर मैं उसको देख लूँ तो मैं उसे पहचान सकता हूँ। फिर जिस समय राबिया घर से अपने दुकान के लिए निकलती थी ठीक उसी समय पुलिस सादी ड्रेस में वहाँ पे पहुँच जाती है और दुकान वाले के कॉन्टैक्ट में रहती है और जितने भी लोग वहाँ से जाते हैं उसके बारे में इशारा करके पुलिस पूछती है क्या ये तो नहीं था। वो मना कर देता है नहीं नहीं, नहीं। कई लोग वहाँ से जाते हैं। अब चाय वाला मना कर देता है। फिर जैसे ही मंजू वहाँ से फिर से काम करने के लिए अनीता के घर पर जा रही होती है, जैसे वो दुकान के पास आती है फट से उस चाय वाला उस औरत को मंजू को पहचान जाता है और पुलिस को इशारा कर देता है। जैसे पुलिस इशारा पाती है पुलिस दबोच लेती है मंजू को और मंजू पुलिस को जब अपने सामने देखती है तो वो हक्के बक्के रह जाती है, वो डर जाती है। पुलिस उसे ले आकर के थाने ले आकर पूछताछ करना शुरू कर देती है। इस पर वो रोने लग जाती है और कहती है कि साहब मेरे पति बहुत बीमार है, उसको कैंसर की बीमारी है, मुझे 75,000 रुपये की ज़रूरत थी, इसके लिए मैं इसे ये सब काम कर रही थी लेकिन ये काम मुझसे कोई और करवा रहा था। अब पुलिस इसके माध्यम से अनीता तक पहुंच जाती है, अनीता को गिरफ्तार करके थाने लाती है, दोनों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। फिर दोनों अपना सारा जुर्म कबूल कर लेते हैं शुरू से लास्ट तक का और वो दोनों फिर मयूर के बारे में बताते हैं। अब पुलिस पूछते हैं कि मयूर इस समय है कहाँ, तो वो कहती है, अनीता कहती है कि वो इस समय गुजरात में है और राबिया को लेकर के वो वहीं गया है और राबिया को वो किसी एक व्यक्ति को बेचने के लिए गया है, इसकी एवज में वो 12 लाख रुपये से मिलने वाले थे जिसमें से 8 लाख वो लेता, 3 लाख मैं लेती और 1 लाख मंजू को देती, ऐसा हमारा प्लान था। पुलिस अपनी पूरी दलबल के साथ गुजरात के लिए रवाना हो जाती है और पहले अपनी टीम को बता देती है कि वहाँ की लोकल पुलिस से कोई भी मदद नहीं लेनी है, हमें फौरन डायरेक्ट उसी को पकड़ना है।
फिर इतने में पुलिस को रमेश भाई का फोन का भी पता चल जाता है। फोन के जरिए पुलिस उसका एड्रेस भी निकलवा लेती है। इधर मयूर राबिया को लेकर के रमेश भाई के घर के लिए निकल पड़ता है। अब जैसे ही वो रमेश भाई के घर पर जाता है, रमेश भाई राबिया को देख करके खुश हो जाता है और वो मयूर से कहता है कि ये तुम्हारा पैसा तैयार है, ये लो पैसे। वो पैसे गिन करके मयूर अपने पास रखता है और वो कहता है कि हमारा आपका डील फाइनल हो गया, ये रही आपकी लड़की, आप इसे संभालिए, मैं पैसे लेकर के जा रहा हूँ। अब जैसे ही वो पैसे लेकर के उठता है जाने के लिए, इतने में पुलिस रमेश भाई के घर पर पहुँच जाती है और उसको दबोच लेती है और उसके साथ साथ रमेश भाई को भी गिरफ्तार कर लेती है। और राबिया जो रो रही होती है, पुलिस को देख करके उसके जान में जान आ जाती है और पुलिस की टीम उसको सांत्वना देते हैं कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस पर राबिया कहती है कि मेरे माँ और भाई कैसे हैं? पुलिस कहते हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, उसको कुछ भी नहीं हुआ। फिर पुलिस की टीम उन सबको लेकर के मुंबई आती है और राबिया को उसके माँ के हवाले कर देती है। अब राबिया जैसे ही अपनी माँ को देखती है, दौड़ करके अपने माँ से गले लग जाती है। उसका भाई भी रोने लगता है, तीनों एक दूसरे के गले मिलकर काफ़ी देर तक रोने लगते हैं। पुलिस की टीम उनको शांत करके और कहते हैं कि देखो आपकी बेटी सही सलामत आ गई ना। उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और पुलिस वाले को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती है। फिर पुलिस राबिया का मेडिकल करवाती है तो पता चलता है उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल पाक और साफ है। और इधर रमेश भाई को और मयूर को और मंजू को और अनीता को, इसको अपने किए की सजा मिल जाती है। पुलिस इन लोगों के खिलाफ मुकदमा बना लेती है और पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा बना करके इन सबको जेल भेज देती है। दोस्तों, मुंबई पुलिस को मैं सैल्यूट करता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत ही तेजी के साथ इस मिशन पर काम किया और सही सलामत एक बच्ची को उसके माँ से मिला दिया। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मतलब किसी के भी दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि अपने समाज को जागरूक करना है और ऐसे आपराधिक लोगों से और ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले लोगों से लोग बचें, अपने को भी और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें, यही हमारा मकसद है। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की कहानी, मिलते हैं कल किसी दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।